गाइस स्वागत करती हूँ मैं आज के नए वीडियो में अपने चैनल गैरवराज ब्लॉग्स में। सो गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको CPM बॉक्स से लेकर जितने भी डाउट हैं वो आज मैं पूरा क्लियर करने वाली हूँ। और मैं दावा करती हूँ कि ऐसा वीडियो अगर पूरे यूट्यूब पर किसी यूट्यूबर ने दी होगी, ठीक है, तो वो बंदा मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर उसका लिंक पेस्ट कर दे कि मैम ये बंदा आपसे ज़्यादा बेटर वीडियो बनाया है इस टॉपिक पर, इसने ज़्यादा डाउट क्लियर करी है, तो मैं उसके फ्री में $100 कम्प्लीट करके दूँगी, ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ। इस वीडियो में प्रॉमिस करती हूँ उसका $100 फ्री में करके दूंगी, लेकिन वैसे वीडियो भी होना चाहिए। तो आज का वीडियो महज जो है सात मिनट का होने वाला है, लेकिन जो CPM को लेके और कम से कम ज़्यादा नहीं करें तो कम से कम 15-20 हज़ार करने के लिए उत्सुक होगा वो इस वीडियो को जरूर से देखेगा। तो आज की वीडियो में मैं जो करने वाली हूँ, मतलब कि ये क्वेश्चन बताने और डाउट क्लियर करने वाली हूँ, उसको मैंने कॉपी में नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो पहले मैं क्वेश्चन को आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम CPM करते हैं तो उसमें VPN में 2 सर्वर होते हैं, जो VPN हमने यूज़ करा है उसके अंदर जो सर्वर है, ठीक है। तो हमें कौन सा लोकेशन अपने मोबाइल की सेटिंग में ऐड करना होता है, सबसे बहुत से बंदों को तो यही नहीं पता होता, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा करेंगे कि CPM को किस टाइम पे करना बेस्ट होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा अर्निंग आता है किस टाइम पे करने से अच्छे ऐड आते हैं। तीसरा करेंगे कितने भी इस पर हमें कितनी आईडी से वर्क करना चाहिए और एक आईडी से हमें कितने क्लिक मारने चाहिए, ठीक है, कितने क्लिक करने चाहिए कि RPM CPM मेंटेन रहे। चौथा क्वेश्चन करेंगे किस प्रकार के एड, यानी कि 3-4 प्रकार के होते हैं, इसके डबल होते हैं, डिस्प्ले होते हैं और बम्पर एड होते हैं, लेकिन हम जनरली CPM में 2 एड को ज़्यादा जानते हैं, इसके डबल और डिस्प्ले, ठीक है। तो किस एड से ज़्यादा अर्निंग होती है, कौन से एड हमको ज़्यादा क्लिक करना चाहिए, ये मैं बताऊँगी आज के इस वीडियो में। पाँचवा बताएंगे कि जानेंगे कि मोनेटाइजेशन के कितने दिनों बाद हम CPM वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। छठवा जानेंगे कि RPM को हाई होने से कैसे बचाएं, ठीक है, RPM थोड़ा सा हाई होना चाहिए लेकिन एकदम ज़्यादा हाई हो जाए तो ये नुकसानदेह है क्योंकि डॉलर तो बनेंगे कि सब ड्रॉप हो जाएंगे, तो ये आपको जानेंगे कैसे उसको हाई होने से बचाना है। और सिक्स देखेंगे फॉर्म को कैसे भरते हैं, ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इनवैलिड एक्टिविटी का कारण होता है यही होता है, क्योंकि जब हम CPM करते हैं तो एड से हम डायरेक्ट किसमें होते हैं प्रो में, वहाँ पर हमको फॉर्म को फिलअप करना होता है। अब हम लोग कनेक्ट किए हैं कंट्री किसी और का, इंग्लिश कंट्री को किए हैं, ठीक है, लेकिन हम हर हिंदी में रहे हैं यानी कि इंडिया का, तो उसमें इनवैलिड एक्टिविटी होता है, तो वो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है, बताऊँगी। और आठवा क्वेश्चन जो है CPM के लिए वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आप किसी भी लेंथ की बना सकते हैं लेकिन बेस्ट कौन सा होता है, तो ये सब क्वेश्चन है जो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए आ गए हैं, गलती से आए हैं कैसे हैं पता नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि इसमें एकदम आपको पावरफुल और सबसे बेस्ट वीडियो मिलेंगी, ठीक है, काम से रिलेटेड। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है VPN का लोकेशन क्या चाहिए, ठीक है। देखिए जब हम VPN में, दो लोकेशन होगा, मान चलिए मैं कनाडा का VPN यूज़ कर रही हूँ, कनाडा के अंदर मैं सर्वर यूज़ कर रही हूँ यूनाइटेड किंगडम लंदन 7, ठीक है, क्योंकि लंदन 7, तो यहाँ पे 2 लोकेशन आ गई, एक तो मेरी UK की आ गई और एक कनाडा की, दोनों अलग अलग कंट्री है, तो मैं किस में करूँ। तो आपको हमेशा सर्वर का लोकेशन सिलेक्ट करना है, ठीक है, मोबाइल की सेटिंग में टाइम जोन होता है उसमें आप क्या करोगे सर्वर का, जैसे कनाडा VPN है UK लंदन 7, तो हम सेटिंग में UK लंदन 7 ही सिलेक्ट करेंगे। और YT ऐप से कर रहे हैं CPM वर्क, तो उसमें भी हम यूनाइटेड किंगडम ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से पॉज करके दोबारा देख लीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है CPM वर्क किस टाइम पर करना चाहिए, ये सबसे मेन है। देखिए मेरा मानना है कि CPM वर्क आप किसी भी टाइम पर कर सकते हो, मॉर्निंग में भी कर सकते हो, नून में भी कर सकते हो और आप कर सकते हो इवनिंग में भी, लेकिन मैं जब अपना खुद का CPM करती हूँ अपने वीडियो का और कस्टमर का, तो मैंने नोट किया है कि मॉर्निंग के कंपैरिजन में जो इवनिंग में करते हैं उनका एड ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि महंगे महंगे एड आते हैं शाम को, मैंने देखा है। तो मेरे ख्याल से आपको शाम में ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन मैं दिन भर कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कस्टमर का रहता है तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ इवनिंग में करूँगी, क्योंकि $100 कंप्लीट करके देना रहता है, तो मैं किसी भी टाइम पर कर लेती हूँ, बस 7 बजे के बाद करती हूँ, ठीक है। क्यों, रीज़न क्यों है 7 बजे के बाद, क्योंकि 7 बजे हमारा डॉलर अपडेट होता है, ठीक है। आप आज वर्क किए हो और कल डॉलर अपडेट होने के पहले भी वर्क कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब तक डॉलर अपडेट ना हो नहीं करना, ठीक है। शाम को फर्क CPM करने का ये थोड़ा सा नुकसान होता है कि जैसे कि आज हम उन्हें वर्क किए, नुकसान नहीं बोल सकते, पेशेंस बोल सकते हैं, ठीक है, आज हमने वर्क किया मॉर्निंग में तो वो कल मॉर्निंग तक अपडेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम इवनिंग में अगर CPM कर रहे हैं तो वो कल ना होकर के परसों होगा, जैसे कि आज कितना है 29 को, मान के लिए शाम को मैं अगर CPM वर्क करती हूँ तो
30 को अपडेट ना हुआ के 1 जुलाई को अपडेट हुआ, ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, बढ़ते हैं। कितने व्यूज पर कितनी आईडी से वर्क करना चाहिए और एक आईडी से कितना क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका व्यूज 80 से 90, 100, 110 के बीच में आ रही है तो आपको मैक्सिमम 5 तक का लेना चाहिए। सेफ लगना है तो बस 3 आईडी से कीजिए और 3 आईडी में से सिर्फ एक एक क्लिक कीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका व्यूज 150+ आ रहा है तो आप 6 आईडी तक कर सकते हो, सभी में भी एक एक क्लिक कर सकते हो। अगर आपका जो व्यू है वो 250+ आ रहा है, 250, 300, 400, 500, तो आप आराम से 10 आईडी तक वर्क कर सकते हो और सभी आईडी से सिर्फ दो दो क्लिक कर सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर तीनों ऐड पर क्लिक करोगे कि स्टार्टिंग है, कि स्किप वाले बीच पर डिस्प्ले एड और उसके बाद लास्ट में स्किप वाले, तो आपका आरबीएम ज़्यादातर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ दो आईडी, एक आईडी से दो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के एड यानी कि डिस्प्ले या स्किप वाले एड किससे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो देखिए, अगर आप सीपीएम दो जगह से होता है, वाईटी ऐप से भी होता है यानी यूट्यूब ऐप से होता है, दूसरा होता है क्रोम से होता है, ठीक है। तो वाईटी ऐप में जब आप सीपीएम कर रहे हो तो कोशिश करना कि जो स्किपेबल ऐड होता है उसमें क्लिक करना, क्योंकि वाईटी ऐप में स्किपेबल ऐड से ज़्यादा डॉलर बनते हैं कंपेरिजन टू डिस्प्ले ऐड, ठीक है। अगर आप क्रोम से कर रहे हो तो कोशिश करना कि डिस्प्ले ऐड में ज़्यादा क्लिक करो, ठीक है, डिस्प्ले ऐड में ही क्लिक करो ज़्यादातर। लेकिन क्रोम से डॉलर तो ज़्यादा बनता है लेकिन ड्रॉप होने का इशू भी थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा ड्रॉप होता है डॉलर, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि वाईटी में स्केलेबल से और क्रोम से कर रहे हैं तो डिस्प्ले से करना है, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा आईडी से कर रहे हो मान के चलो, तो आप क्या कर सकते हो, एक स्केलेबल एक डिस्प्ले दोनों से कर सकते हो। फ़ायदा ये होता है, देखो एड अर्निंग का बहुत सारा जरिया है, यूट्यूब को लगता है जैसे कि सभी एड से डिस्प्ले से स्केलेबल एड से बम्पर सभी से पैसे आते हैं, तो वो उतना ट्रैक नहीं करता। लेकिन मान के चलो आपको डिस्प्ले एड से ही आ रहा है या स्केलेबल एड से आ रहा है तो यूट्यूब ट्रैक करता है कितनी सारी तो क्या है ऑप्शन है, लेकिन इसकी इसी ऐड से क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैक ना हो इसके लिए क्या करें, अगर 3 आईडी से कर रहे हो तो 2 आईडी इसके टेबल में मारो, लाइक आईडी आपका डिस्प्ले से करो, इससे आपका पूरा मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोनेटाइजेशन के कितने दिनों बाद सीपीएम वर्क करना चाहिए, ठीक है। अब जिनका जेन्युइन तरीके से मोनेटाइजेशन हुआ है उनको सीपीएम करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, क्योंकि व्यूज आते हैं, और नहीं भी आते हैं तो वो आराम से 15 दिन बाद कर सकते हैं। लेकिन आप पेड मोनेटाइजेशन लिए हो, ठीक है, पेड मोनेटाइजेशन कराए हो तो आपके चैनल पे व्यूज आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि आज मैंने मोनेटाइज करा लिया तो कम से कम 1 महीने तक मुझे करना नहीं चाहिए, 15 से 20 दिन तक आप कर सकते हो दिनों बाद मोनेटाइजेशन होने के बाद। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि 1 महीना बिल्कुल भी मत लो, 1 महीने रेगुलर रेगुलर पर डे एक वीडियो डालो, इससे आपका रीच बढ़ेगा वीडियो का और वीडियो में क्या आएंगे व्यूज आएंगे, जिससे कि आप उसके बाद आप आसानी से सीपीएम वर्क कर सकते हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 1 महीने बाद करो, या तो फिर व्यूज आ रहे हैं तो 15 से 20 दिन के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरपीओ को हाई होने से कैसे बचाया जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हाई होने का रीज़न क्या है ये पहले जाना पड़ेगा। आरपीएम इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादा जैसे व्यूज हमारे कम आ रहे हैं लेकिन हम धड़ाधड़ क्लिक मार रहे हैं, ठीक है, हर एक आईडी पे 3 क्लिक 4 क्लिक मार रहे हैं, तो ऐसे में आरपीएम हाई होता है, ठीक है। दूसरा इसलिए होता है कि कोई भी वीपीएन हम वर्क कर रहे हैं उसका आरपीएम जो है आपका सीपीएम लो है लेकिन आरपीएम हाई है उसका, उस वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं तो इससे आरपीएम भी हाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उस वीपीएन का यूज़ करिए जिस वीपीएन का सीपीएम हाई हो, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मान लीजिए चलो मैंने 28 तारीख को वोट किया, तो आप क्रोम में अपने वाईटी स्टूडियो को खोलना, वहाँ पर चेक करना कि आपका जो मान के चलो दो वीपीएन यूज़ करे हो, ठीक है, कनाडा किए हो, एक मान के चलो कुछ और यूएसए का किए हो या फिर यूके का किए हो, तो उस वीडियो में देखना कि किस वीपीएन से आपका जो डॉलर है उसका सीपीएम ज़्यादा हाई है। ये देखना नहीं आता होगा तो मैं अगला वीडियो बना दूँगी क्योंकि ऐसे हम देख सकते हैं कि किस लोकेशन से हमारा कितना सीपीएम आया है, मैं बता दूँगी, ठीक है, उसको एकदम से ध्यान में रखना पड़ेगा। छठवां होता है फॉर्म को कैसे भरें, ये सबसे इनवैलिड एक्टिविटी यानी आने का यही मेन कारण है। तो जो है हम क्या पूछ रहे थे, हाँ फॉर्म को कैसे भरें, ठीक है। तो फॉर्म को देखो, जब हम किसी भी ऐड पे क्लिक करते हैं चाहे डिस्प्ले हो चाहे इसके बबल हो और रीडायरेक्ट करते हैं हमको किस में, क्रोम में। अब हमने लोकेशन सेलेक्ट किया है मान के चलिए अमेरिका का, कनाडा का या नॉर्वे का कहीं कभी किया हुआ, तो वो हो गया फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो वहाँ के नाम हमारे हिंदी जैसे नहीं रहेंगे, सुकेश मुकेश कैथी पदमा सुनीता ऐसे नहीं रहेंगे, है ना। तो वहाँ के लिए आप जब फॉर्म भरो तो कोशिश करना कि आप इंग्लिश में नाम भरो, ठीक है। अब उसने मांगता है जीमेल, तो आप इंडिया का @gmail.com नहीं भर सकते, उसके
उसके लिए आपको जीमेल बनाना पड़ेगा और कैसे बनाते हैं वो मैंने अपने पेड तरीके में बताया हुआ है, क्योंकि हर चीज़ को मैं फ्री में नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने भी खुद परचेज किया था, मैंने एक पेड कोर्स बनाया हुआ है। आपको अच्छा लगे तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने पहले जो एक कोर्स खरीदा था 1850 का, किससे खरीदा था ये नहीं बता सकती, क्योंकि किसी का भी नाम खराब करना अच्छी बात नहीं है। उसमें कुछ भी नहीं था, बस ये बताया था वीपीएन को कनेक्ट करो, मोबाइल में शूटिंग करो, हो गया खत्म। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे आप इनको मेंटेन करना है, कुछ भी नहीं बताया था। इसकी वजह से मेरा एक चैनल पूरा चला गया, बर्बाद हो गया, ठीक है, 4 महीने पहले की बात है ये। तो जो चीज़ उसमें बताई गई थी वो चीज़ ऑलरेडी मेरे को पहले से पता थी, ठीक है, जो चीज़ बताना चाहिए था वो नहीं बताया गया था। तो मैंने इस कोर्स में सब चीज़ A to Z बताया। कहते हैं ना कि कोई बच्चे जब के में जाता तो A से Z तक पूरा पेपर सिखाते हैं, वैसे मैंने सिखाया हुआ है। और इस ट्रिक का, इस कोर्स का मैंने प्राइस बहुत लो लगा, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने प्राइस ऐसा रखा है कि हर मिडिल क्लास के लोग इसको खरीद सके जिसको CPM करना है, ठीक है। मैंने इसका प्राइस 2000-1500 ऐसा नहीं रखा है, कम रखा है, ठीक है। या तो फिर आपको CPM आता है, लेकिन आपको बेस्ट VPN बहुत मायने रखता है, ठीक है, बेस्ट VPN बहुत मायने रखता है। VPN होता है जो हमारे डॉलर को इंक्रीज करता है। तो आपको खाली VPN चाहिए तो वो भी आपको हमसे परचेस कर सकते हैं, जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है। आप बोलेंगे कितने वाला करना है तो पिन नहीं दे सकते क्या, तो इसका भी आंसर बता देती हूँ कि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से, और VPN हम लोग खुद घर में बनाते नहीं है, ठीक है, इसको हम भी परचेस करते हैं। तो परचेस कर रहे हैं तो कम से कम 10 लोग भी इसको खरीद देते हैं, तो कितना भी हम लोग परचेस किए हैं वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, आपको 500 के अंदर भी ही नीचे नहीं आएगा, ठीक है, आप ले सकते हो VPN। चलिए तो आगे बताते हैं, तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसको मैंने पेड में बताया हुआ है, आप चाहे तो ले सकते हैं। अब लास्ट है CPM के लिए वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वीडियो तो किसी भी लेंथ की हो सकती है, लेकिन CPM के लिए बेस्ट लेंथ होती है 3 से 5 मिनट, ठीक है, 3 से 5 मिनट की जो वीडियो होती है वो बेस्ट होती है CPM के लिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि 10 मिनट 12 मिनट वीडियो बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा ऐड आएंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर छोटा लेंथ की वीडियो है, मान लीजिए 5 मिनट की, उसमें अगर ऐड अच्छे आ गए तो जितना आप 10 मिनट के लेंथ वाली वीडियोस नहीं कमाओगे आप इससे कमा लोगे, ठीक है। एक एक क्या बोलते हैं आईडी से $15 $20 5 आईडी 35 $40 आसानी से बढ़ता है, आपको यकीन नहीं होगा। तो मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में अपना प्रूफ बताया है, खुद के चैनल पे जिससे आप वीडियो देखे उससे बताया है, और मैंने जिस कस्टमर से किया हुआ है उससे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थी, आई होप कि आपकी क्वेरी कंप्लीट हुई होगी। और भी कुछ CPM को लेकर डाउट है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट पूछ सकते हैं, या तो फिर अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें, क्योंकि इंस्टा में थोड़ा लेट नोटिफिकेशन आता है जिससे मुझे लेट में मिलेगी, जिस टाइम आपको जरूरत होगी उस टाइम शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन तो कम्प्लीट हो गया, आई होप कि वीडियो यूजफुल रही होगी, और वीडियो 7-8 मिनट से ज़्यादा हो गई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आई होप, और वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिसको भी डॉलर बढ़वाना है या डॉलर चाहिए या कुछ VPN चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है नंबर, जल्दी से कॉन्टैक्ट करें, यहाँ पे किसी भी मेरे को पता नहीं होती है। अगर आपका, हाँ एक चीज़ और है कि आपका जो स्क्रिप्ट आ रहा है वो पूरा ढकने वाला आना चाहिए, पूरा स्क्रीन को कवर कर लेना चाहिए, ऐसा आना चाहिए जिसके बयान वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन पूरा स्क्रीन को कवर नहीं कर रहा है तो फिर इसमें डॉलर नहीं बन सकता, लेकिन आप डिस्प्ले के थ्रू कमा सकते हो। अगर आपका स्क्रिप्ट एड अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप डिस्प्ले से अच्छे से कमा सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।